नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी ज्योग्राफी किताब चल रही है, 11th क्लास की चैप्टर नंबर 12 है ये। यहाँ पे हम लोग अपने लास्ट लेग पे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मैंने पहले आपको बताया। वैसे तो देखिए, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उनको मैं बहुत डिटेल में पहले की वीडियोस को कवर कर चुका हूँ और उन वीडियोस का रेफरेंस भी मैं आपको दे चुका हूँ। मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा। आप ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको बतेरी वीडियोज मिल जाएंगी। यहाँ पे तो इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात कर रखी है मैंने, उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तक आपको बताया है, ठीक है। बट फिर भी चलिए, इस चैप्टर को कंप्लीशन करने के लिए एक बार यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस और थ्योरी लिखी हुई है उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रेजेंस की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रीन हाउस की तरह काम कर रहा है। ग्रीन हाउस क्या होता है इसको थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। एटमॉस्फेयर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये अर्थ सर्फेस है, ये एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में जो सन की शॉर्ट वेव आ रही है उसको एटमॉस्फेयर सीधे सीधे एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस जा रही होती है उसको हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर खींच लेता है, सोक कर लेता है और उससे जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ता है। देखिए ये लिखा हुआ है, द गैसेस दैट एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन, और इन गैसेस को आप क्या बोलते हो, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हो। और इससे एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है और पूरे के पूरे इफेक्ट को आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए हमें उस ग्रीन हाउस को समझना पड़ेगा जो कि कोल्ड एरियाज में यूज किया जाता है हीट को प्रिजर्व करने के लिए। ये फोटो इसका बेस्ट एग्जांपल है। देखिए, एक ग्लास का यहाँ पे हाउस बना हुआ है, ओके, और उसके अंदर आपके पौधे रखे हुए हैं। ठंडी जगहों पे ये ग्लास के हाउसेस बनाए जाते हैं। अब आप देख सकते हो, उस ग्लास के हाउस को बनाने के लिए आपके पास एक बड़ा सा गार्डन होना चाहिए। तो ज्यादातर अमीरों के घरों में ही इस प्रकार के ग्लास के हाउसेस दिखते हैं। होता क्या है, इनके अंदर पेड़ पौधे रखे हैं। तो होता यह है कि जो अर्थ की रेडिएशन आएगी, ठीक है ना, शॉर्ट वेव रेडिएशन, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन इस ग्लास को पेनिट्रेट करके अंदर चली जाएगी, लेकिन जब वापस रिफ्लेक्ट होगी अर्थ से तो एज लॉन्ग वेव रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगी और वो लॉन्ग वेव जल्दी इस ग्लास से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए होगा ये कि ठंडी जगहों पर भी इस ग्लास के अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल रहेगा, ओके, मतलब बाहर से थोड़ा गर्म रहेगा, बाहर से थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि ठंडे इलाकों में बाहर टेम्परेचर कम रहता है, 3-4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। अब 4-5 डिग्री का टेम्परेचर सारे प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है, तो वो प्लांट्स जो कि बहुत कम टेम्परेचर नहीं झेल सकते उनको ऐसे ग्लास हाउस में रख दिया जाता है। तो इस ग्लास हाउसों के अंदर ड्यूअल फायदे हैं, एक तो यहाँ पे सन की किरण भी मिलेगी, दूसरा सन की किरण से जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन बनने के बाद सीधे सीधे इस ग्लास से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो अंदर घूमती रह जाएगी वो रेडिएशन, जिससे इस ग्लास के अंदर चीजें गर्म रहेंगी। इसको ही आप ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यही यहाँ लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ग्लास, अ ग्लास विच इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन इज ओपेक टू आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो अगर ये ग्लास का बक्सा बना दिया, शॉर्ट वेव रेडिएशन इसके अंदर घुस गई, अंदर से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुई वो बाहर नहीं निकल पाई, वो उस ग्लास के अंदर पैक होकर रह गई और उसने अंदर के एनवायरमेंट को यहाँ पे गर्म कर दिया। क्या लिखा हुआ है, The glass therefore allows in more radiation and prevents the long wave radiation going outside the glass house, causing the temperature inside the glass house structure warmer than the outside. इसके चलते इस ग्लास हाउस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे कि समर्स के दौरान अगर आप किसी कार या बस में घुसते हो तो अंदर वो बहुत गर्म होती है, और वही विंटर्स के दौरान किसी कार या बस में अगर आप घुसोगे तो आपको थोड़ा सा ईजी फील होगा, अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। तो विंटर्स में बाहर तो ठंडी है, लेकिन कार के जो शीशे हैं उसके अंदर जब सन की शॉर्ट वेव घुसेंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में, और वो लॉन्ग वेव्स कार के अंदर ट्रैप हो जाएंगी, जिससे कार के अंदर का एटमॉस्फेयर सर्दियों के समय पे गर्म रहेगा, बाहर ठंडा है। लेकिन समर्स में उल्टा हो जाता है, समर्स में बाहर गर्म है और कार के अंदर और भीषण गर्मी हो जाती है, तो बिना एसी चलाए आप कार के अंदर बैठ ही नहीं सकते, ठीक है ना। जो बसेस होती हैं, बसेस में तो चलो खैर बहुत वेंटिलेशन होता है, चारों तरफ खिड़की वगैरह खुली रहती है, लेकिन तब भी बहुत गर्मी लगती है। तो यही है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, गॉट इट। मतलब कि ग्लास के थ्रू सनरेज अंदर तो आ गई शॉर्ट वेव्स, लेकिन रिफ्लेक्ट होके जब वो लॉन्ग वेव्स बनी तो वो बाहर नहीं निकल पाई, अंदर के मीडियम में ट्रैप हो गई और उन्होंने अंदर के मीडियम को गर्म कर दिया। फिर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के डेफिनेटली आप हेल्प कर सकते हैं। देखिए, हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए, ये मैं बार बार कहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है तो हम ज्वाइन बटन क्यों दबाएं। देखिए, जो कंटेंट मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ वो आपको लाखों रुपए में भी नहीं मिलेगा। तो भाई
ज्वाइनिंग द बटन यू हैव टू पे अ वेरी नॉमिनल फीस एंड दैट विल हेल्प मी अलॉट। दैट इज वाई मैं सबको बोलता हूँ ज्वाइन बटन दबाने को। इसमें सब लोग लॉजिक देते हैं कि हमको तो कुछ अलग से मिल नहीं रहा। अरे भाई, आपको इतना कंटेंट फ्री में मिल रहा है, उससे आपको क्या चाहिए? बट चलिए, आपकी मर्जी है। अगर ज्वाइन बटन दबा सकते हैं दबाइए, नहीं दबा सकते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो पे लाइक बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करके इसका एंगेजमेंट बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर आप वीडियोस को पहुंचा सको यही गुरु दक्षिणा होगी। फिर डेली की बेसिस पर arshitdwivedi.com पे जाके आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं जो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, डेली एडिटोरियल की पीडीएफ है, उसको अपडेट कर देता हूँ। तो वापस आ जाते हैं। अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आपका मन है, नीचे सब चीज़ों के लिंक दे रखे हैं, चाहे इंस्टाग्राम का हो, टेलीग्राम का हो, ज्वाइन बटन का हो, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जान लेते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस? वही जो ग्रीन हाउस अफेक्ट कर रही है, यही है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। कैसे काम करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस? सबसे पहले समझते हैं है कौन कौन सी। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं CFC, मीथेन आती है CH4, नाइट्रोस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3। ये कुछ मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और भी हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई NO और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई CO। तो ये NO और CO ग्रीन हाउस गैसेस से रिएक्ट करती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में बढ़ा भी सकती हैं। तो भले ही नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, बट ये रोल प्ले करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में बढ़ाने का। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि ग्रीन हाउस गैस का मॉलिक्यूल कितना इफेक्टिव होगा। कितना इफेक्टिव मतलब वो कितनी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करेगा, मतलब कितना वो ग्लोबल वार्मिंग उसके अंदर पोटेंशियल है। एक ग्रीन हाउस गैस कितनी खतरनाक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी एक ग्रीन हाउस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी फोटो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन हाउस गैसेस दिख रही हैं कुछ, और राइट हैंड साइड पे आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिख रहा है 100 सालों का। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी ग्रीन हाउस गैस का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल प्लानेट ऑफ क्लाइमेट चेंज थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट 2001 के हिसाब से डाटा है, मतलब IPCC का डाटा है, तो जेन्युइन डाटा है, आप इसको मान सकते हो। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 यूनिट है, मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं यहां पे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 साल का 1 यूनिट है, तो CH4 मीथेन का 23 यूनिट्स है। मतलब मीथेन 23 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है CO2 से। मतलब अगर 100 यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड है और 100 यूनिट्स सबकी मीथेन है, CH4 है, तो मीथेन 23 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगी कार्बन डाइऑक्साइड से। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको N2O का कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिख रहा है, 296। मतलब N2O इज 296 टाइम्स मोर लीथल देन CO2। मतलब N2O 296 टाइम्स ग्लोबल वार्मिंग करेगी। और उसी के लिए जो सबसे टॉप होता है वो होता है SF6, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड 22,200 गुना, मतलब 22,200 टाइम्स ग्लोबल वार्मिंग करती है व्हेन कंपेयर टू CO2। तो CO2 एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है और CO2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ओजोन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने कुछ गैसेस का आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिखा दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओजोन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल व्हेन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो जैसा कि हमने समझा कि एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में अलग अलग समय के लिए रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है और वो कौन से वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेंगे ये भी अलग अलग है। तो इसके बेसिस पे हर गैस का अपना एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तय किया जाता है कि ओवर द कोर्स ऑफ 100 ईयर्स वो गैस कितनी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी। यहाँ पे रेफरेंस रखा गया है CO2 को और CO2 के रिस्पेक्ट में बाकी गैसेस को एसेस किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी यहाँ पे बहुत ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, ओजोन भी यहाँ पे बहुत ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। मैं आपको बता दूं, ओजोन जब स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है तब वो ह्यूमन काइंड के लिए एक बून है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने आप को नेचुरली रिक्यूपरेट करती रहती है और खतरनाक रेडिएशन को अर्थ तक आने से रोक देती है। लेकिन यही ओजोन अगर टेरेस्ट्रियल इलाकों में आ जाए, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए, ट्रोपोस्फीयर के अंदर आ जाए, तो वो इतनी ग्लोबल वार्मिंग कर देगी कि हमारा जीना मुश्किल कर देगी। और एक ग्रीन हाउस गैस कितना ग्लोबल वार्मिंग करेगी ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस ग्रीन हाउस गैस का मॉलिक्यूल कितने लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहता है। अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहेगा
तो वो उतनी ही ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा। अब अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर में? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में यहाँ पे सारे मेजरमेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से? तो फॉसिल फ्यूल कंबशन से आती है। ऑयल, गैस, कोल को जब आप जलाओगे तब कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सिंक्स कहाँ पे? सिंक मतलब कहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ओशंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बिल्कुल, ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो हैं। ओवरऑल अगर आप पेड़ पौधों को जला देते हो तो क्या एमिट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी। तो जितना ज़्यादा पेड़ होगा उतना ज़्यादा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक होगा। सिमिलरली ओशंस एक बहुत बड़े एब्जॉर्बर हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। जितना भी हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं ना, बहुत सारे ओशंस पी जाते हैं। ओके, लेकिन ये पूरा का पूरा जो CO2 का बैलेंस है ना, वो बिगड़ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं। फॉरेस्ट को अपनी ग्रोथ के लिए CO2 चाहिए। आपको पता है कि जो प्लांट्स से पेड़ हैं वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन एमिट करते हैं। लेकिन अब देखो, अगर आपका डीफॉरेस्टेशन होगा, लैंड यूज चेंजेस होंगे, पेड़ काटोगे तो पेड़ काटने से नुकसान है। क्या नुकसान है? पहले जो फॉरेस्ट ऑक्सीजन को एमिट कर रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे थे, वो पेड़ अब गायब हो जाएंगे। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड पीने वाला कोई भी नहीं बचेगा और ना ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला बचेगा। तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम हो जाएगी और CO2 के एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। इसलिए डिफॉरेस्टेशन सही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेड़ लगाने चाहिए। एफॉरेस्टेशन के लिए क्यों इतना बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही कम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होगा। ओके, फिर क्या बोला जा रहा है? द टाइम टेकन फॉर एटमॉस्फेरिक CO2 टू एडजस्ट टू चेंजेस इन सोर्स टू सिंक इज 20 से 50 ईयर्स। मतलब कि अपने सोर्स से लेके एक कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल को अपने सिंक तक पहुंचने में 20 से 50 साल लग जाते हैं। अब आप बोलोगे सोर्स से सिंक का क्या लेना देना है? तो मान लीजिए कहीं पे आप कह लीजिए कि वॉल्केनिक एरप्शन हुआ तो उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, या मान लो कहीं पे एक फॉरेस्ट फायर लगी उसके चलते बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुई, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में घूमते रहेंगे। हो सकता है बाद में कोई पेड़ उनको एब्जॉर्ब कर ले या ओशन उनको एब्जॉर्ब कर ले। तो ये एटमॉस्फेयर में आके एटमॉस्फेयर के ही किसी सिंक में घुल जाना, अपने सोर्स से निकल के सिंक तक पहुंचने का जो समय है वो 20 से 50 साल का होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो सिंक को बढ़ाने की यहां पे बात की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सोर्स को कम करने की बात की जा रही है। तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को कम कर पाएंगे और तभी हम ग्रीन हाउस गैसेस को और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम कर पाएंगे। ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कितना बढ़ रहा है, कितना डबल हो रहा है, इसके आधार पर दुनिया भर में क्लाइमेटिक मॉडल्स फिक्स किए जाते हैं। और देखिए, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही नहीं, बाकी जितनी भी आपकी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं, SF6 हो गया, HFC हो गया, CFC हो गया, ओजोन हो गया, N2O हो गया, इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को भी कैलकुलेट किया जाता है। फिर बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, CFC की। CFC आर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक एलिमेंट है क्लोरो, जिसको आप बोलते हो CL, मतलब क्लोरीन। ये जो क्लोरीन होता है ना, ये ओजोन के लिए बड़ा डेंजरस होता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हम नाना प्रकार की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि अब इनको इस्तेमाल बैन हो गया है। ओके, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन लेयर और वहां पे ये ओजोन होल कॉज करते हैं। अब ये ओजोन होल कैसे कॉज करते हैं, इसकी अपना ही एक लॉजिक है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक्चुअली दो वीडियो बना रखी है। एक है वाटर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक ओजोन होल, हाउ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एग्रवेट ओजोन डिप्लीशन, ओजोन होल और एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक सर्किल। और दूसरी है ओजोन गैस अ बून और बेन, व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन इट। ये दो वीडियोस देख लीजिए, ये पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स अपने आप में ही, ठीक है ना, समझने वाले हैं, ट्रिकी हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में कैसे ये क्लोरीन ओजोन को डिटोरिएट करने की कंडीशंस पैदा करते हैं, और इस प्रकार की कंडीशंस बहुत ठंड में, बहुत सब जीरो टेम्परेचर्स में होती हैं, तभी आपको पोल्स में अब तक ओजोन होल नजर आता है। नॉर्मल लैटिट्यूड्स पे, टेम्परेट ट्रॉपिकल पे अब तक फॉर्चुनेटली ओजोन होल नहीं आया है। ओके, तो वो दो वीडियोस देख लीजिएगा, वो दोनों वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हमने देखा कि जो ओजोन है, जो कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, अल्ट्रावायलेट रेज को ये ओजोन में कन्वर्ट कर देती है, नीचे नहीं आने देती है,
ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस ओजोन लेयर में छेद कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन को, और इसके चलते बड़े बड़े ओजोन होल्स बनते नजर आए थे किसके ऊपर, एंटार्क्टिका के ऊपर। ओके, तो जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन कंसेंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड ओजोन होल, ओजोन होल, ठीक है। और अगर ये ओजोन होल बन जाता है तो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस धरती तक पहुंच जाएंगे, और वो धरती तक पहुंच के स्किन कैंसर, पौधों को मार देना, एनिमल्स को मार देना, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तब बहुत सारे इंटरनेशनल एफर्ट्स को यहाँ पे इनिशिएट किया गया फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए बहुत से इंटरनेशनल एफर्ट्स इनिशिएट किए गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एफर्ट था वो था क्योटो प्रोटोकॉल प्रोक्लेम्ड इन 1997। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो 2005 में इफेक्ट में आया, 141 नेशंस ने इसको रेटिफाई किया था, बाउंडिंग प्रोटोकॉल था, 35 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के ऊपर ये एक बाइंडिंग एमिशन लगाता था, मतलब एक बाइंडिंग कंडीशन लगाता था कि आप 2012 तक अपने एमिशंस को 5% कम करेंगे व्हेन कंपेयर्ड टू योर एमिशंस ऑफ 1990s। ठीक है भाई, तो मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के ऊपर क्योटो प्रोटोकॉल ने बाइंडिंग एमिशंस लगाए, लेकिन अब क्योटो प्रोटोकॉल एग्जिस्टेंट नहीं है, और क्योटो प्रोटोकॉल जैसा ही एक बाइंडिंग एमिशन एग्रीमेंट को साइन कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने को ही तैयार नहीं हो रहे। अब ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, ये लॉन्ग टर्म में अर्थ को गर्म कर सकता है, ये हमको पता है। एक बार ग्लोबल वार्मिंग सेट इन कर दी तो इसको रिवर्स करना मुश्किल है। वैसे मैं आपको अनफॉर्चुनेटली बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग सेट इन हो चुकी है, ऐसा बहुत से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का बोलना है। अब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आएगा, कई जगहों पर एग्रीकल्चर पर फर्क पड़ेगा, कई जगहों पर ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के मेल्ट होने की वजह से जो कोस्टल इलाके हैं जो कि पहले लैंड पे थे वो डूब जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे आइलैंड्स खतरे में आ जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के यूनिफॉर्म इफेक्ट्स नहीं होंगे, उनको बहुत अलग अलग उनके इफेक्ट्स होने वाले हैं। जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंटल इलाके हैं जहाँ पे ऑलरेडी डिजर्ट कंडीशंस हैं, वहाँ पे और गर्मी और कैटास्ट्रोफिक तरीके से लोगों को परेशान करेगी, तो एक सीरियस कंसर्न है। कम्युनिटी लेड एफर्ट्स, इंटरनेशनल एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, और उसके लिए किसी भी हाल में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करना पड़ेगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग के ट्रेंड को अरेस्ट किया जा सके। इसके लिए वर्ल्ड कम्युनिटी के एक कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्स की जरूरत है, एक अलग ही प्रकार की लाइफस्टाइल जहां पे आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ चीजें जिंदा रहने के लिए छोड़ें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ डाटा भी दिया गया है। देखिए यहां पे बताया गया कि टेम्परेचर, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको यहां पे चीजें थोड़ी जल्दी बता रहा हूं। जल्दी बताने की वजह इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो का रेफरेंसेस आपको पहले दिया है। मैंने आपसे पहले ये बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग, मेरा नाम हर्षित दीक्षा, सर्च मारो, या ग्रीन हाउस इफेक्ट, मेरे नाम हर्षित दीक्षा, सर्च मारो, या ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ भी मार दो मेरे नाम के साथ, सच आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी ना, आप सारी वीडियोस देख लो, मैंने एक एक लाइन को वहां पे तोड़ तोड़ के घंटे घंटे भर में एक्सप्लेन किया है, तो आप आराम से वहां पे चीजें समझ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मैं बहुत नया आपको नहीं बता रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, और इसके बारे में हम लोग करंट अफेयर्स में बहुत बात करते रहते हैं, तो रेपिटिशन सा लग रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं भाई कितना प्लैनेट वार्म अप हुआ है कुछ टेम्परेचर रिकॉर्ड्स के चलते। टेम्परेचर डाटा फ्रॉम द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी अवेलेबल है। 1885 तक अर्थ गर्म हो रहा था, ये हमने देखा। 1885 के बाद गर्म होने की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो गई है। जो रेफरेंस पीरियड ऑफ स्टडी है वो है 1961 से लेकर 1990। अब देखिए, द टेम्परेचर एनोमलीज फॉर द अर्लियर एंड लेटर पीरियड्स आर एस्टिमेटेड फॉर द एवरेज टेम्परेचर फॉर द पीरियड 1961 से लेकर 1990। 1961 से लेकर 1990 तक के एवरेज टेम्परेचर को नापा गया और उसके बेसिस पे कुछ टेम्परेचर एनोमलीज को आइडेंटिफाई किया गया। ये देखा गया इस टाइम पीरियड में कि जो एनुअल एवरेज नियर सरफेस एयर टेम्परेचर है पूरी दुनिया का वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए। एक ऑब्जर्वेशन तो यह है कि ग्लोबली एवरेज एनुअल मीन टेम्परेचर एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी वाज अबाउट 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड अबव दैट रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड पे, 19th सेंचुरी क्या है, 1801 से लेकर 1900 तक, इसके एंड पे जो टेम्परेचर था, और 20th सेंचुरी के एंड पे, 20th सेंचुरी क्या है, 1901 से लेकर 2000 तक, इसके एंड पे जो टेम्परेचर था, तो 20th सेंचुरी के एंड पे जो टेम्परेचर था वो ऑन एन एवरेज 19वीं शताब्दी के एंड पे जो टेम्परेचर था उससे 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है, अच्छा खासा इंक्रीज है। फिर आप देखोगे कि भाई ग्रेटेस्ट वार्मिंग ऑफ द 20th सेंचुरी वाज ड्यूरिंग द टू पीरियड्स 1901 से लेके 1944 और 1977 से लेके 1999। तो 1901 से लेके 1944 तक
जो अर्थ का टेम्परेचर वो 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है, और 1977 से लेकर 1999 तक जो अर्थ का टेम्परेचर वो भी 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है। थोड़ी बहुत कूलिंग देखने को मिली थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट ओवरऑल टेम्परेचर 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है। फिर आप देखो कि 1998 वॉज द वार्मेस्ट ईयर ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, मतलब 20th सेंचुरी क्या पूरे मिलेनियम का, आप कह सकते हो पूरे 1000 सालों का वार्मेस्ट ईयर था 1998। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दे रखे हैं, इन ऑब्जर्वेशन से कहीं ज्यादा मैं आपको अपने एडिटोरियल में बताता ही रहता हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं, आप देख सकते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स भी अक्सर कर न्यूज़पेपर में छपते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा कोई दिन नहीं आता होगा न्यूज़पेपर में यहाँ पे इससे रिलेटेड बातें हम लोग नहीं करते हैं। तो ये था आपका एनालिसिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 खत्म होता है, इमीडिएट बेसिस पे चैप्टर नंबर 13 पे मूव ऑन करेंगे, जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाइए, अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए। गुड बाय।